का। कर्नाटक में आखिरी सभा में बोले पीएम मोदी, सांप से तुलना करने वाले विरोधी मुझे जान ले, मुझे श्रीकंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली। सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। नीतीश राणे ने संजय राउत को सांप कहा, बोले वो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म करना चाहते। कर्नाटक को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस, पीएम मोदी बोले 10 मई को मिलेगा जवाब। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच जेपी नड्डा ने देखी द केरला स्टोरी, बोले फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। औरैया जिला पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिबियापुर में सपा प्रत्याशी को लेकर एक जनसभा की, साथ ही बीजेपी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कूड़े से बिजली बनाने का वादा किया था, ये लोग कूड़े की गुणवत्ता देखते हैं, इसलिए ये कूड़ा हटाने का चुनाव है। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी, इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को साइकिल में वोट देना है। बीजेपी और मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंच पर एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बीजेपी के लोग ना जाने कौन सी बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने जो महंगाई दी है और उन्होंने जो वादे किए हैं वो सब झूठे निकले, इसीलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दिखाई दे रही है। ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात है। और जनता हटाना चाहती है बीजेपी को, बीजेपी ने जो महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है और उन्होंने जो वादे किए सब झूठे निकले, इसलिए इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दिखाई दे रही है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वहीं यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों को महिला होने के बावजूद उल्टा सीधा बोले, क्या कहना चाहिए? देखिए महिलाएं अभी आपके पड़ोस में आपने देखा होगा बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा दी और एक माँ। औरैया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार दुबे ने चुनाव प्रचार थमने से पहले एक बार अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए जुलूस निकाला। जुलूस में भाजपाइयों के अलावा भारी संख्या में शहर के मतदाता भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस बार सभी दलों ने अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप सहित निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताकत का एहसास कराए जाने के काम में लगे हुए हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में एक रोड शो निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में मतदाता दिखाई दिए। जुलूस कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के रास्तों से होता हुआ कार्यालय पर संपन्न हुआ। खबर जनपद चंदौली से है, जहां जनपद में 4 मई को फर्जी मतदान और छिटपुट अफवाहों के आरोपों के बीच नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। अफवाहों के दौर के मद्देनजर डीएम ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े पहरे का इंतजाम किया है। पूरे स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी भी रखी जा रही है। डीएम ने मीडिया को बताया कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों और निर्दल प्रत्याशियों की उपस्थिति में मत पेटिकाओं को सील बंद करने की कार्रवाई की गई। सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्ट्रांग के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाकर स्ट्रांग रूम को में से निगरानी रखी जा रही है। देखिए हमारे जनपद में 4 नगर निकाय है, 4 नगर निकायों के लिए 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। चंदौली और सैयद राजा नगर निकाय का स्ट्रांग रूम चंदौली पॉलिटेक्निक में है। इसी प्रकार से मुगलसराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का जो स्ट्रांग रूम है वो हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में बनाया है और चकिया नगर निकाय का जो स्ट्रांग रूम है वो राजकीय डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। सभी स्ट्रांग रूम पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्यवाही परसों रात की थी, जब सारी पेटियाँ हम लोगों के पास आ गई थी। सीलिंग के वक्त हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स और जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं सभी के प्रतिनिधियों को भी
न्यौता दिया, फिर भी वो आए और सीएम जी मौजूद रहे। गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खोड़ा नगर पालिका प्रत्याशी रीना भाटी के प्रचार में पहुंचे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने रीना भाटी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा काम नगर पालिका अध्यक्ष ने कराया है, ऐसे में लोगों में उत्साह है और लोग उन्हें दोबारा वोट जरूर करेंगे। वही कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर बैन लगाने जैसे बयान पर उन्होंने कहा, पहले तो कांग्रेस का जीतना ही संभव नहीं है और कांग्रेस के सलाहकार ठीक नहीं है। गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि बदमाशों के थाना लोनी बॉर्डर के टीला शहबाजपुर गांव के जंगलों में एक कमरे को अपना ठिकाना बनाया और वहां अवैध हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से पहुंचकर बनाते हुए दो लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बदमाशों के पास से तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस फरार अपराधी की तलाश कर रही है। देखिए, ये जो थाना लोनी बॉर्डर के क्षेत्र में टीला शहबाजपुर एक गांव है, चौकी सेवाधाम क्षेत्र में पड़ता है ये, वहीं पर चेकिंग के दौरान इन लोगों को सूचना मिली और उस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके पकड़ा है। तो उसमें दो अभियुक्त उस समय मौके पर थे, एक अभियुक्त तो फरार हो गया जिसका नाम सरफराज है, दूसरा उसका मित्र फरीद पुत्र महबूब है और ये रहने वाला थाना लोनी क्षेत्र का ही है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से कुल 11 अवैध तमंचे जो 315 बोर का है, साथ ही साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर का, उसके अलावा 14 अवैध अधबने तमंचे व उनको तमंचे बनाने का उपकरण भी मिला है। कुछ रायबरेली जिले में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे लोगों के लिए काल साबित हो रहा है। एक्सप्रेसवे निर्माण में लगे डंफर अनियंत्रित गति से लोगों की जान ले रहे हैं। बता दें कि जगतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गागंज में एक मासूम को घर के पास खेलते समय एक मिलर ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंफर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आया हुआ था। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को मौके से पकड़ लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला हो गया यहाँ? यहाँ पे सर वो लड़का आ रहा था, साइड के किनारे था, वो साला शराब पीकर गाड़ी चढ़ा दिया। कौन चढ़ा दिया? वो ट्रक ड्राइवर। कहाँ लगे हैं ये ट्रक? क्या चीज? ट्रक कहाँ जा रहा है? ये ट्रक इधर जा रहा था। कौन सा गाँव है ये? दुर्गागंज है। फतेहपुर में जमीनी विवाद में गोली चलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला समेत तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने दो घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर कई दिनों से दो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। वही घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। आज दिनांक 8 तारीख को करीब 1 बजे थाना हुसैनगंज के सिरसी गांव में एक जमीनी मैटर को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा होने पर एक पक्ष ने तमंचे से फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें प्रेम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रेम सिंह के परिवार ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।